गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई एम एकता यादव, टीजीटी इंग्लिश टीचर फ्रॉम सूरज स्कूल रेवाड़ी. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्लास 8 चैप्टर 5 कंडीशनल्स. लेट्स स्टार्ट. कंडीशनल. व्हाट इज कंडीशनल? द सेंटेंस दैट टॉक अबाउट पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशंस डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कंडीशंस आर कॉल्ड कंडीशनल्स. सेंटेंस जो हमें बताते हैं पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशंस के बारे में, और लेकिन वो डिपेंड होते हैं एक सर्टेन कंडीशन पर, वो डिपेंड होते हैं और वो हमें पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन के बारे में बताते हैं, उन्हें कंडीशनल कहते हैं. अ कंडीशनल ऑलवेज इंक्लूड एन इफ क्लोज. कंडीशन में हमेशा इफ क्लोज शामिल होता है. हमेशा क्या होता है? इफ क्लोज शामिल होता है. कंडीशनल्स आर फोर टाइप्स. नंबर 1 जीरो कंडीशनल, सेकंड फर्स्ट कंडीशनल, थर्ड सेकंड कंडीशनल एंड फोर्थ थर्ड कंडीशनल. जीरो कंडीशनल. व्हाट इज जीरो कंडीशनल? इन अ जीरो कंडीशनल द इफ क्लोज इज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड द सेकेंड क्लोज इज ऑल्सो इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. इट मीन्स दैट जीरो कंडीशनल में जो इफ क्लोज वाला जो सेंटेंस होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, तो जो सेकेंड क्लोज है उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करेंगे. यानी वो सेंटेंस, इट मीन्स वो सेंटेंस भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा. देर आर टू सेंटेंस इन जीरो कंडीशनल्स. फर्स्ट इफ क्लोज एंड सेकेंड जो सेकेंड क्लोज है, इफ क्लोज जो सेंटेंस है उसमें अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो सेकंड क्लोज में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. नंबर 2 फर्स्ट कंडीशनल. इन द फर्स्ट कंडीशनल द इफ क्लोज इज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड द सेकंड क्लोज इज इन द सिंपल फ्यूचर टेंस. वी यूज दिस विद सेंटेंसेस डिनोटिंग थिंग्स दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर और द थिंग्स दैट आर लाइकली टू कम ट्रू. हम इनको जो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है इनको हम उन सेंटेंस के साथ यूज करते हैं जो कम ट्रू यानी जो सच होने वाली है और जो फ्यूचर में हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई मीट हिम टूडे आई विल आस्क हिम टू रिटर्न योर बुक्स. यहाँ देखिए इफ क्लोज जो है उसमें जो मीट है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट मीन सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एंड सेकेंड सेंटेंस जो है उसमें हमने विल यूज किया है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल. ये हमारा क्या हुआ? फर्स्ट कंडीशनल. थर्ड सेकेंड कंडीशनल. इन द सेकेंड कंडीशनल द इफ क्लोज इज इन द सिंपल पास्ट टेंस एंड द सेकेंड क्लोज यूज इज वुड कुड प्लस वर्ब. इट मीन्स द सेकेंड कंडीशनल में जो इफ क्लोज है वो सिंपल पास्ट टेंस में है, तो हम सेकेंड क्लोज में वुड लगाएंगे या कुड लगाएंगे या और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. एग्जाम्पल, इफ़ यू वर्क हार्ड यू वुड स्क्योर गुड मार्क्स. वर्क, देखें यहाँ वर्क जो है वो सेकेंड फॉर्म है, इट मीन्स सिंपल पास्ट है, तो हमने जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें हमने यहाँ वुड यूज किया है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ही वुड प्रिपेयर द मील इफ ही न्यू हाउ टू कुक. वुड प्रिपेयर जो हमारी इफ क्लोज है जो सिंपल पास्ट में है, न्यू आ गया इसमें, न्यू द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन वी यूज वुड प्रिपेयर. ओके, एंड फोर्थ टाइप्स थर्ड कंडीशनल. इन द थर्ड कंडीशनल द इफ क्लोज इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द सेकेंड क्लोज यूज इज वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. इट मीन्स दैट थर्ड कंडीशनल में जो इफ क्लोज है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है. अगर वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है तो जो सेकंड क्लोज है उसमें हम वुड यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. एग्जाम्पल, इफ यू हैडन टेकन प्रॉपर रेस्ट यू वुडंट हैव रिकवर्ड सो फास्ट. ये देखिए जहाँ इफ क्लोज है जो उसमें हमने पास्ट परफेक्ट यूज किया हैड नॉट टेकन. Had plus third form of the verb is the past perfect tense and second clause we use would plus have plus past participle. It means would have है और recovered third form of the verb. ओके, लगाएंगे. एग्जाम्पल, इफ़ यू वर्क हार्ड यू वुड स्क्योर गुड मार्क्स. वर्क, देखें यहाँ वर्क जो है वो सेकेंड फॉर्म है, इट मीन्स सिंपल पास्ट है, तो हमने जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें हमने यहाँ वुड यूज किया है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ही वुड प्रिपेयर द मील इफ ही न्यू हाउ टू कुक. वुड प्रिपेयर जो हमारी इफ क्लोज है जो सिंपल पास्ट में है, न्यू आ गया इसमें, न्यू इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन वी यूज वुड प्रिपेयर. ओके, एंड फोर्थ टाइप्स
third conditional. In the third conditional, the if clause is in the past perfect tense and the second clause uses would plus have plus past participle. It means that the third conditional में जो if clause है वो past perfect tense में होता है. अगर वो past perfect tense में होता है तो जो second clause है उसमें हम would use करेंगे, have use करेंगे और past participle means third form of the verb. Example, if you hadn't taken proper rest, you wouldn't have recovered so fast. ये देखिए जहाँ if clause है जो उसमें हमने past perfect use किया, had not taken. Had plus third form of the verb is the past perfect tense and second clause we use would plus have plus past participle. It means would have or recovered. Recovered third form of the verb. Okay.